प्रदेश भर में बीजेपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मना रही है। लखनऊ के दीनदयाल स्मृति वाटिका में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कानून मंत्री बृजेश पाठक समेत कई नेता और कार्यकर्ताओं ने दीनदयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जन्म जयंती है। इस अवसर पर राज्य के अंदर सभी बूथों पर, पन्ना प्रमुख 1,63,000 बूथों पर सभी पन्ना प्रमुख बूथ समिति अपने अपने बूथों पर कार्यक्रम होगा। 24 को करेंगे, कल शाम को किए होंगे, जो शेष बचेगा आज करेंगे और जो बाकी शेष बचेंगे उसे मन की बात सभी बूथों पर सुनना 26 तारीख को प्रधानमंत्री जी का, और सुनने के बाद वहीं जन्म जयंती भी मनाएंगे, पुष्पांजलि भी करेंगे और घर घर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पत्रक बांटेंगे। यानी जनसंघ की नींव, भारतीय जनता पार्टी की नींव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना था कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को अंत्योदय, यानी पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का मान सम्मान, भरपेट भोजन, रहने को छोड़, आज वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी उस सपना को साकार कर रहे हैं। ये सब व्यवस्था करने का काम किसी ने किया है तो आदरणीय मोदी जी, यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था। यानी उनको पक्का मकान मिले, शौचालय हो, गैस का कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन हो, भरपेट भोजन हो, चिकित्सा व्यवस्था फ्री हो, शिक्षा व्यवस्था फ्री हो, वह सपना धीरे धीरे साकार हो रहा है और गरीब के लिए हम लोग मरते हैं, गरीब के लिए जीते हैं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर हम सब श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। आदरणीय प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह जी ने, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी ने विस्तृत विचार व्यक्त किए हैं और पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता, देश के करोड़ों नौजवान आज उन्हें याद कर रहे हैं। किस ढंग से उन्होंने अंत्योदय के तहत गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं चलाई, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, आदरणीय योगी जी की सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।